हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए पतंजलि आयुर्वेद यानी कि बाबा रामदेव जी की कंपनी, हर कोई जानता है इसको। पतंजलि के जगह जगह इतने स्टोर्स खुल गए हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। पतंजलि के अपने पर्सनल स्टोर्स हैं, बाकी जगह तो माल बिकता ही बिकता है, लेकिन हर जगह, हर छोटी छोटी सिटी में पतंजलि के ऑलरेडी अपने इतने स्टोर हैं। पूरा मार्केटिंग का ये मान के चलिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार कर रखा है। जब इतनी जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग नेटवर्क है, तो भाई क्यों ना सेल होगी, क्यों ना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इतना कि बड़े बड़े शेयर्स पीछे रह गए, मैं कहूँगा। एक नज़र देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर और क्या कहते हैं डाबर, जो FMCG के बड़े बड़े नाम हैं, और उसके अलावा मैरिको, जो ITC, इन सबका प्रॉफिट देखते हैं। फिर देखते हैं पतंजलि आयुर्वेद ने कितना प्रॉफिट कमा है, तो कि आप कंपेयर कर पाओगे कि पतंजलि आयुर्वेद कितनी बड़ी कंपनी बनते जा रही है, बनते जा रही है। चलिए एक नज़र देखते हैं छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर देखा जाए जून वाले क्वार्टर में 1700 करोड़ का प्रॉफिट, 1800 करोड़ दोनों मिला के अगर देखा जाए, तो ऑलमोस्ट 3600 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था। रिवेन्यू 20,000 करोड़ का था इन दो क्वार्टर्स में। उसके बाद ITC का अगर आप रिवेन्यू देखें तो 12-12 24 हज़ार करोड़ के आसपास था, और प्रॉफिट ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 35 × 2 7,000 करोड़ के आसपास का दोनों क्वार्टर्स का प्रॉफिट था। और उसी तरीके से आप डाबर का देखें, डाबर का जो टोटल रिवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 4400 करोड़ था, लेकिन प्रॉफिट 4 और 3 7-750 करोड़ के आसपास था। मैरिको की तरफ आइए, मैरिको का जो टोटल रिवेन्यू था वो रिवेन्यू टोटल 2100 और 2018-19 मान के चलिए इसको सीधे सीधे 4000 करोड़ के आसपास, लेकिन टोटल प्रॉफिट 3 और 2 5-550 करोड़ के आसपास का था। अगर आप ये देखिए, ये टॉप के स्टॉक्स हैं जो कि FMCG सेक्टर को डोमिनेट करते हैं, FMCG के बड़े प्लेयर हैं। अब बात आती है बाबा रामदेव जी की, पतंजलि की। जब पतंजलि की बात आती है, पतंजलि आयुर्वेद की बात आती है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये किस कैटेगरी में जो है ऑपरेट करता है, और ये चीज आप देखने के बाद ये कहोगे भाई किस कैटेगरी में ऑपरेट नहीं करता है। अब आप देखिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में अगर हम इसमें देखें तो कहाँ नहीं है ये, हर जगह पे हर सेगमेंट में पतंजलि ऑपरेट करता है। चाहे वो आपका पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो आपके फूड सेक्टर के प्रोडक्ट हों, आप देखिए उसको समझिए, सोचिए जिस दिन मार्केट में लिस्ट होगा उस दिन क्या तबाही मचाएगा पतंजलि का, जब IPO आएगा तो क्या तबाही मचाएगा ये। अब ये देखिए भाई, बाबा रामदेव जी ने इस कंपनी को यहाँ नहीं कहाँ, जमीन से लेके बिल्कुल आसमान पे पहुँचा दिया है। अब मैं अगर कैटेगरीज की बात करता हूँ तो देखिए नेचुरल हेल्थ केयर में, उसमें देखिए डाइजेस्टिव है, बादाम पाक, हेल्थ ड्रिंक्स आती हैं, हेल्थ एंड वेलनेस, घी, फ्रूट बेवरेज, च्यवनप्राश, हनी, डाइट फूड, सब कुछ इसका आता है भाई। उसके अलावा देखिए नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स। अब जब फूड प्रोडक्ट की बात आती है तो ब्रिटानिया का कॉम्पिटिटर बन जाता है भाई, बिस्किट, कुकीज, हर्बल टी, नेचुरल स्वीटनर, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, नमकीन, स्पाइसेस, देखिए जैम और दलिया, पोहा, वर्मिसली, दाल, पल्सेस, ओट्स, एडिबल ऑयल, कैंडी, मुरब्बा, और देखते रहिए आप प्रोडक्ट्स इसके, आपको यकीन नहीं होगा। इवन यहाँ तक कि चावल, पापड़, मिठाई, सब कुछ ये कर देता है। इवन मेडिसिन की बात आती है तो देखिए सबसे पहले फूड सेगमेंट में तो है ही है, हेल्थ केयर में है ही है, मेडिसिन में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो देखिए सीरप आती है इसकी, और अलग अलग तरीके से जब आप देखते हो भाई गुग्गल आता है, वती आता है, अरिस्ता आता है, जो शुगर की दवाई अलग से है, सारी चीज़ें क्या नहीं, खांसी, जुकाम, सरदर्द, सब कुछ बना के दे देता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। हर्बल होम केयर देखिए, अगरबत्ती, धूप, हवन सामग्री, पूजा एसेंशियल ये भी है। इसके अलावा जो नेचुरल पर्सनल केयर देखिए, स्किन केयर, बॉडी केयर, शिशु केयर, जो आपका पर्सनल केयर, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन, आपका हेयर एंड केयर, आई केयर, डेंटल केयर, मतलब टूथब्रश हो गया, आपके टॉयलेट का सामान हो गया, डिश वॉश, बार, जेल, हर जगह पे पतंजलि घुस चुका है। इवन देखिए पतंजलि की पब्लिकेशन की किताबें, मीडिया, सब कुछ। इसके अलावा अगर हम देखें समृद्धि कार्ड, स्वदेशी समृद्धि कार्ड ये भी है, तो कहाँ पे ऑपरेट नहीं करता पतंजलि। तो इतना बड़ा शेयर, इतना बड़ा शेयर ये हो चुका है, तो जरूरी बात है कि भाई हर कोई देखेगा कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक नज़र इसके प्रॉफिट को देखिए और समझिए, पतंजलि आयुर्वेद ने हाईएस्ट एवर रिवेन्यू अप्रैल से सितंबर क्वार्टर तक का, इसीलिए मैं आपको दो क्वार्टर का डिटेल दिखा रहा था, दिखाया है। यहाँ पे जो रिवेन्यू की बात आ रही है, 3562 करोड़ का रिवेन्यू इसने दिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त, अप्रैल से लेके सितंबर
2019-2020। और जो रिवेन्यू अगर देखा जाए, अ रिवेन्यू ऑफ 937 करोड़ पतंजलि हैड रिपोर्टेड एंड 1576 करोड़ इन जून क्वार्टर। भैया बहुत ज़बरदस्त। सितंबर क्वार्टर में कितना है, जून और सितंबर क्वार्टर में ये पहले 937 करोड़ था, इस बार 1576 करोड़ का। बहुत ही बढ़िया भाई, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे जंप देना। और उसके अलावा हम देखते हैं भाई क्या कितना डिटेल दिखा है। ट्यूजडे सेट इट हैज़ अचीव रिवेन्यू ऑफ 3562 करोड़ इन अप्रैल टू सेप्टेम्बर 2019-20। बहुत ही बेहतरीन, हाईएस्ट एवर फर्स्ट हाफ का ये फाइनेंशियल ईयर का रिवेन्यू इसका है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए किस तरीके से अगर हम देखा जाए तो 1793 और 1770 के आसपास का ये दोनों क्वार्टर्स का रिवेन्यू है। ये रिवेन्यू है बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा। ये देखिए लास्ट ईयर अगर आप देखें जाए 2018-2019 में, ये रिवेन्यू 937 और 1576 करोड़ था। उससे कहीं ऊपर ये नंबर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये नंबर देखने के बाद आपको लगेगा कि यार कब इसका आईपीओ आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको डिटेल दिखाई, इसके प्रोडक्ट की रेंजेस दिखाई, कब इसका आईपीओ आ रहा। हर कोई इंतज़ार कर रहा होगा पतंजलि का आईपीओ का, ताकि वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए। एफएमसीजी का पतंजलि आयुर्वेद बाबा रामदेव जी की एक टॉप की कंपनी है। अब देखिए आगे देखिए और समझिए आगे। ये देखिए अब जो डिटेल्स आपको अलग अलग जगह पे न्यूज़ पे डिटेल देखिए, पतंजलि रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर रिवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर जो आपका 20 आ रहा है। 62% फूड आइटम्स अकाउंट फॉर 62% ऑफ टोटल सेल। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कह के यहाँ पे फूड आइटम्स खूब बिक रहे हैं। ब्रिटानिया को बड़ी टक्कर दे रहा है भैया, फूड आइटम्स इसके इतने बिक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो फूड आइटम्स का आजकल के डेट में जो जनरेशन, आजकल की जनरेशन वो पसंद कर रही है कि थोड़ा सा हेल्दी फूड मिले। ऑल्दो ये पतंजलि हेल्दी फूड के नाम पे सब कुछ बेच रहा है, तो आप देखें तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा जंप इसको फूड सेक्टर में देखने को मिल रहा है। द कंपनी स्टेटेड दैट द फूड एंड बेवरेज वॉज द लार्जेस्ट कैटेगरी विद सेल्स ऑफ 5184 करोड़ विच अकाउंटेड फॉर 62% ऑफ इट्स टोटल सेल। भाई मेजर, ये ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी चीज, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल मेडिसिन केमिकल एंड बोटानिकल प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू 34% और बाकी जो इसके फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ एंड ऑल जो बिकती है वो 34% उनका कंट्रीब्यूशन है। और बाकी का जो पेपर प्रोडक्ट्स जो फर्नीचर पेपर वुड प्रोडक्ट जो है वो 2.4% का कंट्रीब्यूशन उनका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे इस शेयर का। एक बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है पतंजलि के शेयर में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द इनिशियल ग्लिचेस इन जीएसटी एंड रीअलाइनमेंट हुआ कॉस्ट द कंपनी 2 months ऑफ इट बिजनेस इन स्टार्टिंग में। जीएसटी की वजह से इसको ज़बरदस्त जो है मार झेलनी पड़ी थी, ज़बरदस्त कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन अभी ये बढ़िया नंबर से मुझे देखने को मिल रहा है। अब मैं भी यही कहूँगा भाई कब आईपीओ आएगा पतंजलि का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। पतंजलि आयुर्वेद का ये प्रॉफिट आप अलग अलग जगह पर देख सकते हो कि कितना इसने प्रॉफिट दिखाया है। अब आप खुद सोचिए और कंपैरिजन जो मैंने आपको पहले ही डाबर जैसी कंपनीज के साथ कंपैरिजन दिया था, जो कि देखिए 4400 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया था। इवन मैरिको देखिए, मैरिको का रेवेन्यू कितना था, 4000 करोड़ के आसपास का। तो ये सारी कंपनीज जो कि बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी हैं, लिस्टेड प्लेयर्स हैं पतंजलि आयुर्वेद के, तो आपको जरूर ध्यान देना है यहाँ पे। अब आपको एक बात ध्यान दें, अब आप ढूंढो कि भाई पतंजलि का शेयर, देखिए पतंजलि का कोई शेयर मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान दें, कोई भी शेयर लिस्टेड नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पतंजलि एक बहुत बड़ा एफएमसीजी, एक प्राइवेट प्लेयर है ये मान के चलिए। हर तरीके के इसके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर अगर इसका आईपीओ मार्केट में आता है तो ये बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स इसको मिलेगा। क्योंकि सबसे बेस्ट बात यह है कि आज की डेट में अगर आप देखोगे कि दुकान है, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स देखोगे या फिर आप देखोगे आईटीसी के प्रोडक्ट्स देखोगे, किसी भी कंपनी के आप प्रोडक्ट देखोगे कि हर किसी जनरल स्टोर में अलग से मिलती है। लेकिन पतंजलि का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही है कि इसके अपने स्टोर्स हैं, इसका अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा है, और साथ के साथ इसकी ग्रोथ वो काबिले तारीफ है। तो इन सब को देखता हुआ ऐसा लगता है कि अगर आने वाले टाइम पर जब इसको आईपीओ आएगा तो उसको इतना तगड़ा रेस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि भाई नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं, नेटवर्क बोलता है और मार्केट बोलता है जो इसने कैप्चर करके। और साथ में बाबा रामदेव जी हर कहीं पर भी जहाँ पर अपने
प्रवचन देते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग करते हैं वो बिल्कुल जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, डेफिनेटली वो काबिले तारीफ मार्केटिंग है। चलिए फिलहाल ये अपडेट थी पतंजलि आयुर्वेद से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आने वाले टाइम पर जब पतंजलि का IPO कभी आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपकी अपनी क्या राय है, क्या सोचते हो आप पतंजलि के बारे में, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।